सो है वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसी सेंटेंस किसी स्ट्रिंग में, ठीक है, या फिर किसी एरे में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्ट्रिंग वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो इस हेलो ये हेलो कितनी बार कर किया है, या अब्दुल लिखा हुआ है तो अब्दुल कितनी बार अकर किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम अप्रोच हम लगाएंगे यहाँ पे भी, हैश मैप का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रिंग को ना, इस स्ट्रिंग को पहले एक इस सेंटेंस, जितने भी स्ट्रिंग ये सेंटेंसेस हैं और जितने भी वर्ड हैं, इन सारे वर्ड को है ना एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग एरे बनाएंगे एंड यहाँ पे वर्ड्स नेम दे देंगे, वर्ड्स नेम दे देते हैं एंड स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे ना स्ट्रिंग को, अगर स्प्लिट करेंगे तो ये स्प्लिट होके ना इस सारे जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो सारे लेंथ के हिसाब से इस वर्ड्स नाम के एरे में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये एरे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। क्यों स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि हमने ये सारे स्ट्रिंग ही लेके रखे हैं, ये सब क्या है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। ओके, ऑफकोर्स वर्ड स्ट्रिंग ही होंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे हम, और इसमें हम स्पेस दे देंगे। मतलब जैसे ही स्पेस मिला हमें, स्पेस जहाँ पे भी स्पेस मिला वहीं से स्प्लिट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एच है, स्पेस नहीं है, ई है, स्पेस नहीं है, एल स्पेस नहीं है आगे, एल स्पेस नहीं है आगे, ओ स्पेस नहीं आगे। अब यहाँ पे हमें स्पेस मिल गया। अब जैसे यहाँ पे स्पेस मिला, ये हेलो नाम का एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्प्लिट होकर स्टोर हो जाएगा वर्ड्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वर्ड अब्दुल, तो नेक्स्ट अब्दुल स्टोर होगा, नेक्स्ट बारी स्टोर होगा, नेक्स्ट हाउस स्टोर होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आर स्टोर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे किसमें, इस वर्ड्स नाम के एरे में जो कि स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। ओके, सेमी कॉलन देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं एंड इस एरे को हम रीड करेंगे। इस बार जो भी एरे होगा, जो जिस एरे में जितने भी वर्ड स्टोर किए गए हैं, इस एरे को हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे आई, जिसको इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, और उसको लेकर जाएंगे इस एरे के लेंथ तक, तो वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग को तो पता ही होगा कि वर्ड्स डॉट लेंथ, हमने यहाँ पे डॉट लेंथ क्यों यूज किया, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है लेंथ मेथड, लेकिन यहाँ पे इसका मेथड अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ हम यूज करते हैं, ठीक है। ये उसकी लेंथ दे देगी, किसी एरे की लेंथ को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके, नाइस, सिंपल। सो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट दे देंगे, एक एक करके इंक्रीमेंट दे देंगे, नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, उसके पहले एरे फॉर लूप के पहले एक काम हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैप, हैश मैप बना लेते हैं। इन सबके पहले एक हैश मैप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हैश मैप से करना, तो हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हैश मैप, और इसका जेनर हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड किस बेस में स्टोर है, स्ट्रिंग के बेस में स्टोर होंगे, तो हमें स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग का हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा एंड फ्रीक्वेंसी किस में होगी, नंबर्स में होगी, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर इंटीजर, राइट। ओके, यहाँ पे हम नेम दे देंगे, लाइक हैश मैप नेम देने, तो एच मैप दे देते हैं विदाउट कंफ्यूजन, एच मैप दे देते हैं एंड देन इक्वल टू न्यू हैश मैप जेनर, एंड देन यहाँ पे इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा हैश मैप का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एच मैप नाम है, ठीक है, क्लियर है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब फॉर लूप के अंदर आते हैं, अब फॉर लूप के अंदर आते हैं और हम पहले काउंट करेंगे, पहले काउंट करेंगे कि वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर इंट काउंट, और यहाँ पे एच मैप, इस हैश मैप में कहाँ की फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, किस वर्ड वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, वर्ड कहाँ स्टोर है, एच मैप नाम की फ्रीक्वेंसी में मान लो स्टोर है। तो एच मैप डॉट गेट का यूज करेंगे, एच मैप डॉट गेट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू दे देंगे वर्ड्स, वर्ड्स आई, ठीक है। अभी वर्ड्स क्या है, वर्ड्स एक एरे है, किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। यहाँ पे आई हमने इंडेक्स दे दिया, मतलब किस इंडेक्स पे, जैसे जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर हुआ होगा, हेलो स्टोर हुआ होगा, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर हुआ होगा, अब्दुल स्टोर हुआ होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब्दुल स्टोर हुआ होगा। थर्ड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, बारी स्टोर हुआ होगा, थर्ड इंडेक्स पे हाउस स्टोर हुआ होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक इंडेक्स की वैल्यू को
हर एक इंडेक्स में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसको लेंगे और उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे हैश मैप में, हमारे हैश मैप में जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और उसको हम स्टोर कर देंगे एक इंटीजर नाम के, इंटीजर टाइप के काउंट वेरिएबल में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे इस हैश मैप में, इस हैश मैप में उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे वर्ड्स आई, वर्ड्स आई, एंड यहां पे काउंट प्लस वन, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी है। ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। अब हमने यहां प्लस वन क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, प्लस वन किया जगह, मान लेते हैं अगर कोई हेलो वर्ड आता है, ये फर्स्ट टाइम आएगा, है ना, फर्स्ट टाइम आएगा तो ये यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, पुट करेंगे ना, पुट करेंगे हेलो, यहाँ पे हेलो होगा, फिर यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब सपोज अच्छा ये सारे काम हमने तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने चेक नहीं किया कि क्या ये वर्ड जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इस हैश मैप में, इस हैश मैप में ये पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये हमने गलती कर दी यहाँ पे। पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। बॉस यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, एच मैप, यहाँ पे हैश मैप में हम चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर वर्ड जो भी जिस जिस भी इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर सेंटेंस सॉरी स्ट्रिंग आ रहे हैं, वो हैश मैप में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ही ये दोनों पॉइंट रन एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमें तब दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, राइट। अगर कर रहे हैं तभी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, अगर फ्रीक्वेंसी जैसे सपोज यहाँ पे हेलो आया, हेलो आया, अभी वर्ड यहाँ पे वर्ड्स में हेलो है, ठीक है, अब ये हेलो सिर्फ एक ही बार है, पूरे सेंटेंस में एक ही बार है, अब ये एग्जिस्ट पहले सबसे पहले हैश मैप में हेलो आएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हैश मैप में। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा ना, है ना, तो यहाँ पे हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, और इफ कंडीशन लगा के हम यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेंगे कंटेंस की, कंटेंस की, और कंटेंस की में हम पास कर देंगे इस वर्ड को, पर्टिकुलर इंडेक्स वाले वर्ड को, ठीक है। अब ये हो गया सही, अब हो गया सही है। अगर अब यहाँ पे समझे इसके ट्रेस को समझते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस हैश मैप में, इस वाले हैश मैप में एग्जिस्ट कर रही है, तब ये वाले में यहाँ पे अंदर आएंगे एंड फ्रीक्वेंसी पहले काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, अपने हैश मैप में ऐड कर देंगे, सिंपल, हैश एच मैप डॉट पुट, एंड यहाँ पे अपना वर्ड डाल देंगे, वर्ड्स जो आईथ इंडेक्स पे होगा, एंड वैल्यू क्या डाल देंगे, वन, सिंपल है, सिंपल है। क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, सिंपल अभी तक हमने क्या किया, कोई स्ट्रिंग हमने लिया था सिंपली, फिर उसके बाद हमने हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हैश मैप के जेनर हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेके रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग लेके रखा है। दूसरा हमने इंटीजर लिया क्योंकि इंटीजर फ्रिक्वेंसी इंटीजर में ही आएगी। फिर हमने इस वाले स्ट्रिंग को हमने एक स्ट्रिंग टाइप के एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कैसे किया, स्प्लिट मेथड से की, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पेस आएगा वैसे ही ये स्प्लिट होके एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, किसके इंडेक्स पे, वर्ड्स के इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, क्लियर है। देन हम फॉर लूप लगाएंगे इस वाले एरे को, ये वाले एरे को, वर्ड्स के एरे को हमें रीड करने के लिए, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया वर्ड के एरे को रीड करने के लिए, सिंपल है। अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर इस वाले हैश मैप में, हैश मैप, इस वाले हैश मैप में कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑलरेडी स्टोर है तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हम चेक करेंगे कि हैश मैप में कंटेंस की के हेल्प से, की क्यों हमने लगाया, वैल्यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे की ही हमें देखनी है, स्ट्रिंग को ही देखना है हमें,
वैल्यू को नहीं टच करना, इसलिए यहाँ पे हमने कंटेंट्स की लिया है, कंटेंट्स वैल्यू नहीं, कंटेंट्स की, ठीक है। कंटेंट्स की क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेके रखा और हमें स्ट्रिंग की ही फ्रीक्वेंसी चाहिए। इंटीजर तो हमारा यहां से निकलेगा, काउंट से, ठीक। ओके तो यहाँ पे कंटेंट्स की और हमने वर्ड हमने पास कर दिया विद इंडेक्स। अगर आई इक्वल्स टू जीरो है तो क्या मिलेगा हमें, हेलो मिलेगा। अब हेलो क्या इस हैश मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, अभी हैश मैप बिल्कुल खाली है, तो ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, अंदर नहीं आएगा। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली हम हैश मैप में वो हेलो वर्ड पुट कर देंगे विद फ्रीक्वेंसी वन। नेक्स्ट क्या वर्ड आ रही है, अब्दुल आ रहा है, अब्दुल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, फिर से एल्स वाला पार्ट रन होगा और हैश मैप में क्या पुट हो जाएगा, अब्दुल हो जाएगा। क्या क्या हो गया अब हैश मैप में, हेलो अब्दुल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से क्या आया, बारी आया, फिर से बारी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट आर ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट यू ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टुडे ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट अब्दुल आया। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे अब्दुल आया, अब ये चेक करेगा कंटेंट्स की, क्या करेगा, चेक करेगा अब्दुल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले हैश मैप में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, एग्जिस्ट कर रहा है भाई, अंदर जाओ। अभी अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अब हम गेट गेट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे अब्दुल पास कर देंगे। अब गेट मेथड क्या करता है, पर्टिकुलर की को लेता है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा कि कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, वो चेक करेगा। अभी हैश मैप पे जाके चेक करेगा, इस वाले हैश मैप में ऑलरेडी भैया अब्दुल है, एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक बार एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंट में कितना आ गया, वन आ गया। फिर हम पुट कर देंगे हैश मैप में वो सेम वर्ड, एक बार पुट कर देंगे वर्ड, वर्ड कितना है हमारे पास, वर्ड कौन सा हमारे पास, अब्दुल, जबकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अब्दुल, तो सेम की तो वही रहेगी की एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हैश मैप में की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, अगर डुप्लीकेट आप यूज कर रहे हो तो पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी न्यू की पेयर से, सॉरी न्यू वैल्यू से, न्यू वैल्यू से। तो यहाँ पे पुरानी वाली अब्दुल रिप्लेस होके यहाँ पे न्यू अब्दुल आ जाएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, वन प्लस वन कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब अब्दुल की फ्रीक्वेंसी टू हो गई। नेक्स्ट फिर से अब्दुल आया, नेक्स्ट फिर से अब्दुल आया, आया ना, फिर से इसके पास आएगा, चेक करेगा कंटेंट्स की कि हाँ अब्दुल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बोलेगा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे काउंट काउंट करके यहाँ पे निकालेगा और ये चेक करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है। गेट करके गेट क्या करेगा, उसकी वैल्यू निकालेगा, गेट क्या करेगा, पर्टिकुलर की वैल्यू निकाल के देगा, तो वैल्यू कितनी है, टू है, लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था टू है, तो टू है, तो यहाँ पे काउंट में कितना आ गया, टू हो गया। अब इस बार पुट करते वक्त यहाँ पे वर्ड क्या है, डुप्लीकेट वर्ड है, कौन सा डुप्लीकेट वर्ड, अब्दुल है, तो पिछला वाला जो अब्दुल है नए वाले अब्दुल से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब रिप्लेस होके न्यू वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, न्यू वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे टू प्लस वन थ्री हो जाएगी, अब्दुल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, थ्री हो गई। दैट्स हाउ इट वर्क्स, होप आपको समझ में आया हो। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मे बी कुछ एरर हो तो उसे सॉल्व करते हैं। नो कंपाइल टाइम एरर, तो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा मैंने प्रिंट नहीं किया ना, या प्रिंट नहीं किया, तो सिंपल हम हैश मैप को प्रिंट कर लेंगे। इस फॉर लूप के बाहर आते हैं, फॉर लूप के बाहर आते हैं, यहाँ पे हम अपने हैश मैप को प्रिंट कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिंपल एच मैप लिख लेते हैं, ठीक है। इटरेट नहीं करेंगे यहाँ पे, लास्ट वीडियो में जैसे हमने इटरेट किया था, इटरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिट्रीव तो करना नहीं है की वैल्यू को, सिंपल एक डिक्शनरी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो करते हैं इसको जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओके नो प्रॉब्लम, जावा टेस्ट, ओके। आप देखो वॉन्ट कितनी बार आया, वन टाइम, बारी कितनी बार आया, वन टाइम, आई कितनी बार आया, वन टाइम, से कितनी बार आया, वन टाइम, लाइक सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब्दुल की फ्रीक्वेंसी हमने काउंट की थी, अब्दुल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री है, ये हमने काउंट किया था, ये हमने देखा था, तो अब्दुल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, थ्री, यानी कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही बनाया है, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज आप लेट मी नो, वो डाउट हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, बाय बाय।